प्रिय विद्यार्थियों, एक नए वीडियो को लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूं और यह वीडियो हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़ा हुआ है। यदि आप कक्षा 12वीं के पश्चिम बंगाल परिषद के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो बस आप ही के लिए है। आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको संग संग नोटिफिकेशन मिल सके और आपको इसका लाभ हो सके। मैं आपके हिंदी के बहुत सारे पाठ, चाहे निबंध हो, कहानी हो, कविता हो, उसके ऊपर वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया हूं। यदि आप वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइएगा जिसका नाम लिखा हुआ है क्लास 12 हिंदी सजेशन 2024, उसमें आप ज़रूर जाकर देखिएगा। यह हमारा पार्ट टू वीडियो है, इसके पहले पार्ट वन वीडियो बनाया हूं, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का देखते हैं प्रश्न क्या है कि भारतेंदु युगीन हिंदी साहित्य के मौलिक विशेषताओं की चर्चा कीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ कि भारतेंदु जी हिंदी में नई चेतना का अग्रदूत है। उन्होंने कविता को रीतिकालीन प्रवृत्तियों से मुक्ति दिलाकर नव युग के आगमन का जय घोष किया। उनके नाम पर प्रचलित भारतेंदु युग के कवियों ने युगानुरूप अपने काव्य में देश प्रेम, समाज सुधार, स्व संस्कृति निष्ठा, प्राकृति वर्णन एवं हास्य व्यंग को समुचित स्थान दिया। संक्षेप में इस युग की निम्नलिखित प्रवृत्तियां यानी विशेषताएं निम्नलिखित है। एक नंबर, देशभक्ति और राजभक्ति में संबंध। भारतेंदु युग की कविता में देशभक्ति और राजभक्ति एक साथ चलती रहती है। उस युग के कवियों ने देश की दुर्दशा देखकर आंसू बहाए हैं। राष्ट्रीय स्वाभिमान को पुनः जगाने के लिए गौरवमय अतीत के गीत गाए हैं, जो अंग्रेजी राज की प्रशंसा भी खूब की है। भारतेंदु जी की निम्नलिखित पंक्तियों में अंग्रेजी राज के प्रति रोष और तोष दोनों हैं। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात यह अति खुवारी। भारत की दीन दशा का वर्णन करते हुए भारतेंदु जी ने लिखा है, आवहूँ सब मिली रो वहूँ भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए। चलिए दूसरा हेडिंग देखिए, हेडिंग देकर लिखने से आपको काफ़ी अच्छा नंबर मिलेगा। प्राचीनता तथा नवीनता का संबंध। इस युग की कविता में प्राचीनता और नवीनता का संबंध दिखाई देता है। इस काल के कवियों ने भक्तिकालीन कवियों की भांति पद रचना और लीला गान किया है। रीतिकालीन कवियों के समान नायिका का नख सिख वर्णन किया है, तो भाषा भाव छंद की दृष्टि से नवीनता को भी अपनाया है। देश प्रेम तथा सुधारवादी नवीन विषयों का समावेश इस युग की कविता को आधुनिकता से जोड़ता है। भारतेंदु का यह भक्तिपूर्ण पद द्रष्टव्य है। वज्र की लता पता मोहि की जय, गोपी पद पंकज पावन की रज, जमय सिर भिजय। तीसरा देखिए हेडिंग, जन जीवन का चित्रण। इस युग की कविता में जनवादी प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। इसमें राजनीतिक स्वाधीनता के साथ साथ एकता, समानता और भाईचारे की भावना सामाजिक कुरीतियों और धर्मांडंबर ध्वनियों की स्वार्थ लोलुपता, अदालतों की अनीति, सरकारी कर्मचारियों की लूट खरोच, जनता का विदेशियों द्वारा शोषण आदि का चित्रण किया गया है। चार नंबर देखिए, समाज सुधार की भावना। इस युग की कवियों में समाज सुधारवादी विचारधारा दिखाई देती है। जातियों के परस्पर भेदभाव, छुआछूत, बाल विवाह, वृद्धि विवाह, शराबखोरी आदि की इस युग के कवियों ने आलोचना और निंदा की है। भारतेंदु जी ने सामाजिक असमानता का विरोध करते हुए लिखा है, जाति अनेकन करी नीच अरु ऊंच बनाओ,
खान पान संबंध सबन से बर्जी छुड़ाओ। हास्य एवं व्यंग का समावेश, हास्य मने हंसी होता है, व्यंग मने किसी का मजाक उड़ाना, मजाक कर मने मजाक के तौर पे बोलना। इस युग की कविताओं में हास्य और व्यंग का पुष्ट है। भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन आदि की कविताओं में हास्य व्यंग का भरपूर प्रयोग हुआ है। भारतेंदु जी अंग्रेजी चरित्र का चरित्र पर हास्यपूर्ण ढंग से प्रकाश डालते हैं। भीतर भीतर सब रस चूसे, बाहर से तन मन धन मुंह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सकी साजन नहीं अंग्रेज। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया है। चलिए अब कुछ द्विवेदी युगीन साहित्य के कुछ देख लेते हैं हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके 2024 के परीक्षा में आ सकता है। पहला प्रश्न देखिए, द्विवेदी युगीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। ये जो मैं दाग लगाया हूँ ना, बस आपको उतना ही लिखना है, आपका बहुत ही परफेक्ट आंसर हो जाएगा। द्विवेदी युग की कवियों की दृष्टि भारतेंदु युग के कवियों की भांति समाज सुधार की ओर अधिक उन्मुख है। इस युग के रचनाकारों ने सामाजिक बुराइयों के निवारणार्थ अनेक प्रयत्न किए। भारतेंदु युग इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका था, जिससे प्रवर्ती काव्य को एक परंपरावाद भावना सहज रूप में प्राप्त हो चुकी थी। इसी भावना को अधिक पुष्ट करने तथा उसे और शक्तिशाली बनाने का कार्य इस युग में अधिक सुसंगठित हो पाया। चलिए, इस युग के कवियों ने सामाजिक सुधार के समानांतर धार्मिक पाखंडों की तीव्र आलोचना की। इनकी धार्मिक दृष्टि पूर्ववर्ती कवियों से अधिक विशद, व्यापक और गंभीर थी। इस युग को गांधी, ताला, सत्याय, रविंद्र और आदि मनीषियों के व्यक्तित्व ने बहुत अधिक प्रभावित किया। इससे इस काल की धार्मिक चेतना सांप्रदायिक परिधि को लांग कर मानवता के विशाल परिवेश में प्रविष्ट हुई। आगे देख लीजिए, राष्ट्रीयता का प्रादुर्भाव सही अर्थों में भारतेंदु युग में ही हो चुका था, किंतु समन्वित विकास द्विवेदी युग में हुआ। वास्तव में इस युग में अनेक राष्ट्रीय आंदोलनों का जन्म हुआ। अपने अतीत गौरव के बोध के साथ साथ अपनी वर्तमान दुर्दशा का अनुभव भी हुआ। भारतेंदु युग की राष्ट्रीयता अतिनोमुखी थी, जबकि द्विवेदी युग में उसने वर्तमान पर आधारित ध्यान दिया था। चलिए और देख लीजिए, यहाँ से यह युग नैतिक मान्यताओं पर खड़ा था। अतयों इस युग की कविता का उद्देश्य उपयोगिता, उपदेशात्मकता तथा शैक्षणिकता पर आश्रित था। इस कारण इस युग की कविता इतिवृत्तात्मकता के बोझ से दबी प्रतीत होती है। इतिवृत्तात्मक शैली के कारण यह सूक्ष्म संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने में असमर्थ रही। इस युग में प्रकृति को स्वतंत्र सत्ता मानकर उसका चित्रण किया गया। रीति काल की कविताओं में प्रकृति के उद्दीपन स्वरूप के चित्रण पर ही अधिक बल दिया गया। युग ने इस अधूरे काम को पूरा किया और प्रकृति का स्वतंत्र अस्तित्व बनाया। इस युग के कवियों में प्रकृति के प्रति एक गहरा ममत्व था। आगे देख लीजिए, द्विवेदी युगीन रीतिकाल की प्रतिक्रिया में सामने आया। यद्यपि इस प्रतिक्रिया का सूत्रपात भारतेंदु युग में हो चुका था, परंतु उसका समुचित विकास इसी युग में हुआ। तात्कालीन राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलनों के कारण एक नैतिक जागरण का प्रादुर्भाव हुआ। इसके फलस्वरूप श्रृंगार के अश्लील वर्णन को त्याग कर प्रेम के उदांत रूप को
सामने लाना इस युग का कभी धर्म हो गया। यद्यपि इस युग में मुक्तक काव्य की रचना हुई, किंतु विशेष प्रमुखता प्रबंध काव्य सृजन को प्राप्त हुई। इस युग में प्रबंध काव्य के दोनों प्रकार महाकाव्य और खंड काव्य साथ साथ रचे गए। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास तथा रामचरित चिंतामणि इस युग के प्रमुख महाकाव्य हैं और जयद्रथ वध, पंचवटी मिलन, पाथिक स्वप्न आदि खंड काव्य। इनके अतिरिक्त मुक्तकों एवं विविध गीतों की रचना भी इस युग में हुई है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कितना ही महत्वपूर्ण प्रश्न था ये, इसका उत्तर जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर द्विवेदी युगीन साहित्य की किन्हीं दो प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए, मैंने किन्हीं दो विशेषताओं को बतलाना है द्विवेदी युगीन साहित्य का, तो देख लीजिए। राष्ट्रीयता की भावना, द्विवेदी युगीन कवियों ने देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत कविताएं लिखकर स्वतंत्रता के प्रति भारतीय जनमानस में चेतना जागृत करने का प्रयास किया है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की कविताओं में देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता का स्वर विद्यमान है। जैसे जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नरपशु निरा है और मृतक के समान है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त के काव्य में राष्ट्रीय भावना का स्वर प्रखर है। उनके द्वारा रचित भारत भारती को देशभक्ति पूर्ण कविताओं के कारण ही अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। और देखिए दूसरी इसकी विशेषता क्या है कि खड़ी बोली का प्रयोग। काव्य भाषा के रूप में इस काल के कवियों ने वज्र भाषा को त्याग कर खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया। श्रीधर पाठक एवं हरिऔध जैसे कवि भी जो पहले वज्र भाषा में काव्य रचना करते थे, द्विवेदी जी के प्रभाव से खड़ी बोली में काव्य रचना करने लगे। यद्यपि बाद में लिखी गई कविताओं ने यह सिद्ध कर दिया कि खड़ी बोली का काव्य भाषा के रूप में पूर्णतः उपयुक्त है, द्विवेदी जी ने वज्र भाषा के स्थान पर खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में विशेष योगदान किया था। अतः द्विवेदी युगीन काव्य ने ही खड़ी बोली को कविता में स्थापित करने में विशेष योगदान किया था दिया था। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी और मैथिली शरण गुप्त। देख लीजिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के ऊपर टिप्पणी कैसे लिख सकते हैं आप, बीच में पहले आप लिख दीजिएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, कागज के बीच में अपना जो आपका एंसर कॉपी होगा। युग प्रवर्तक आचार्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी पत्रकारिता के पुरोधा, आलोचना साहित्य के उन्नयन एवं आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रथम आचार्य हैं। आपका जन्म वैशाख शुक्ल 4 संवत 1921 में रायबरेली जिला स्थित दौलतपुर गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम राम सहाय द्विवेदी था। गांव के विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने घर पर ही उर्दू एवं संस्कृत का अध्ययन किया। 13 वर्ष की आयु में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपने रायबरेली के जिला स्कूल में अपना नाम लिखवाया, परंतु अर्थ अभाव के कारण यह विशेष अध्ययन न कर सके। पहले 15 रुपये मासिक वेतन पर अजमेर में कार्यरत हुए, बाद में तार का कार्य सीखकर GIP रेलवे में 50 रुपये मासिक वेतन पर तार बाबू का कार्य करने लगे, परंतु अधिकारियों के अन्याय के कारण उन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। बाद में आप सरस्वती पत्रिका के संपादक बने और 18 वर्षों तक पूर्ण निष्ठा के साथ इस कार्य को संपन्न किया। जीवन के अंतिम दिनों में वे जलोदर रोग से पीड़ित हुए तथा दिसंबर सन 1938 ईस्वी में उनका देहावास हो गया। चलिए इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं देख लीजिए। द्विवेदी जी बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे, कविता, निबंध, समालोचना आदि सभी क्षेत्रों में
उन्होंने कार्य किया है। अपने निबंधों एवं समालोचनाओं द्वारा ये सदा साहित्यकारों को प्रेरणा देते रहे। कभी कठिन से कठिन विषय को सरल बनाने में ये सिद्ध हस्त थे। आपने मुख्यतः विचारात्मक निबंध लिखे हैं। आपकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। एक नंबर देखिए, निबंध में रसज्ञ रंजन साहित्य शिखर, काव्य में काव्य मंजूषा सुमन, और अनुवाद में स्नेहमाला विहार वाटिका कुमार संभव गंगा लहरी विचार रत्नावली रघुवंश मेघदूत किरातार जूनी आदि। चलिए इनकी भाषा शैली को देख लीजिए। इनकी रचनाओं में मुख्यतः तीन प्रकार की शैलियाँ मिलती है। परिचयात्मक शैली, इस प्रकार की शैली की भाषा सरल और सुबोध है। इन इस प्रकार के लेखों से ज्ञात होता है जैसे कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है। आलोचनात्मक शैली, इस शैली के माध्यम से लेखक ने भाषा एवं साहित्य की कुरीतियों पर प्रहार किया है। इनकी भाषा व्यवहारिक है। और गवेषणात्मक शैली तथा ओजपूर्ण रचनाओं और लेखों में इस शैली का उदाहरण मिलते हैं। वास्तव में द्विवेदी जी खड़ी बोली के निर्माता और युग प्रवर्तक साहित्यकार हैं। इनके साहित्य को बहुमुखी देन है। हिंदी साहित्य जगत में आपका स्थान अस्थाई और अमर है। चलिए मैथिली शरण गुप्त को देख लीजिए। इन पर कैसे आप टिप्पणी लिख सकते हैं। आधुनिक खड़ी बोली के लोकप्रिय कवि तथा साकेत्य महाकाव्य के प्रणेता मैथिली शरण गुप्त का जन्म संवत 1943 में झांसी जिले के चीर गांव में एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था। उनकी मृत्यु संवत 2001 में हुई। आपके पिता रामचरण राम भक्त तथा काव्यानुरागी थे। ये दोनों गुण गुप्त जी को पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त हुई थी। आप आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के शिष्य थे, अतः उनकी प्रारंभिक रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती थी। पंडित शांति प्रिय द्विवेदी के अनुसार जो स्थान माला में प्रथम पुष्प का और गगन में प्रथम नक्षत्र का है, वही स्थान गुप्त जी का वर्तमान हिंदी कविता में है। गुप्त जी राष्ट्रकवि के आसन पर प्रतिष्ठित रह चुके हैं। मुख्य रचनाएं साकेत, जय भारत, रंग में भंग, नहुष, विष्णु प्रिया, सिद्धराज, पंचवटी, जयद्रथ बद्ध, द्वापर, शकुंतला, वन वैभव, बक संहार, स्वदेशी संगीत, मंगल घर, झंकार, भारत भारती, यशोधरा आदि। गुप्त जी की अधिकांश कविताओं में देश प्रेम की प्रधानता है। आपने भारत की सोई हुई जनता को जगाने का निरंतर प्रयास किया है। वह कहते हैं, सबके हृदय में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो। इनकी कविताओं में मानवतावादी दृष्टिकोण की प्रधानता है। जैसे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सामाजिक समस्याओं का भी चित्रण कवि ने बड़ी कुशलता से किया है। नारी के प्रति कवि की धारणा बड़ी ही उदार है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। प्राकृति वर्णन में भी कवि की कल्पना साकार हो उठती है। नक्षत्र गहने थे सजे, मुख चंद्र शोभा छा रही, नीलांबरा रजनी बंधु अभी शारिका सी जा रही। गुप्त जी की भाषा संस्कृत गर्भित खड़ी बोली है। अलंकारों का भी प्रयोग कवि ने खूब किया है। भ्रांति मान अलंकार का उदाहरण देखिए। नाक का मोती उधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मैं, मौन है सोचता है यह अपर सुख कौन है।
गुप्त जी की कविता की सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण की क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करने चलने की शक्ति। इस दृष्टि से निस्संदेह गुप्त जी हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।